भारतीय सेना ने दिखाया अपना दम, चीन को दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का अभ्यास किया। सेना के T-90 और T-72 टैंकों ने अपना दम दिखाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर बड़ी संख्या में टैंकों के साथ काम करने वाली दुनिया की कुछ सेनाओं में से एक है। जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अपने प्रशिक्षण अभ्यास सैनिकों को वापस बुलाकर आक्रामकता दिखाना शुरू किया, तो भारतीय सेना बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ले आई। पहले भारतीय सेना पाकिस्तान के मोर्चे पर पंजाब सेक्टर में बड़े पैमाने पर ऐसे अभ्यास करती थी, क्योंकि माना जाता था कि टैंक युद्ध केवल मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में ही होंगे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 2013-14 में पूर्वी लद्दाख में टैंक और अन्य संरचनाओं के साथ ब्रिगेड के बल में शामिल किया जाना शुरू किया। लेकिन 2020 में जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष की घटना हुई, तो इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई।